नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सना खान जो बिग बॉस से चर्चा में आ गई। सना खान अपनी हॉट अपीयरेंस को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। आइए आपको बताते हैं सना खान से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सना खान एक ऐसी एक्टर हैं जो बिग बॉस से चर्चा में आ गई थी। सना खान एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री भी हैं। सना खान का जन्म 21 अगस्त 1987 को मुंबई में हुआ था। वो मूलतः कन्नूर केरला से ताल्लुक रखती हैं। उनकी मां सईदा मुंबई से हैं। सना खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई को बाय कहकर मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। सना जब स्कूल में थी तभी से वो मॉडलिंग की दुनिया में सक्रिय हो गई थी। साल 2005 में उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय की शुरुआत बहुत लो बजट फिल्म ये है हाई सोसाइटी से की। इसके बाद वो कई हिंदी शोज और विज्ञापनों में भी नजर आने लगी। इसके बाद उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की पारी शुरू की। उनकी पहली तमिल फिल्म सीलम बट्टम थी। ये उस साल की तमिल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से भी नवाजा गया। यहीं से सना के फिल्मी करियर की गाड़ी चल पड़ी। इसके बाद उन्होंने तमिल की कई फिल्मों में काम किया। साल 2011 में सना कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हो गई। साल 2014 में उन्हें हिंदी फिल्म में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। सुहेल खान निर्देशित फिल्म जय हो में वो एक घमंडी मंत्री की भूमिका निभाती हुई नजर आई। इस फिल्म में सलमान खान, डेजी शाह और तब्बू लीड रोल में थे। टीवी करियर की शुरुआत में अब तक उन्होंने करीब 50 से भी ज्यादा शोज किए हैं, लेकिन उन्हें छोटे पर्दे पर प्रसिद्धि कलर्स की बहुचर्चित और विवादित शो बिग बॉस से मिली। इस शो में वो राजीव पॉल और विशाल के साथ इश्क फरमाती हुई नजर आई थी। हालांकि इन सब के बावजूद वो इस शो में सेमीफाइनल्स तक ही रही। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं बिग बॉस के घर के अंदर सबसे छोटी थी। मैंने वहाँ कोई गेम नहीं खेला, जो था सब सच था। मुझे खुशी है कि मैं टॉप 3 तक पहुँच सकी। बिग बॉस से पॉपुलैरिटी पाने वाली सना खान वजह तुम हो को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही, जिसे हेट स्टोरी 3 के डायरेक्टर विशाल पांड्या ने बनाया था। और इसमें सना बोल्डनेस की सारी हदें पार करती नजर आईं। इसमें उन्होंने कई बोल्ड सीन दिए थे। हालांकि सना का कहना है कि हिंदी फिल्मों में इंटीमेट और बोल्ड सीन पर इतना हो हल्ला क्यों मचता है। सोर्सेस के मुताबिक सना का कहना है कि जब इंडस्ट्री के लोग उस तरह के सीन को लेकर बातें करते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है। उनका कहना है कि बहुत फनी है, वो हैरान है कि ऑडियंस क्या बातें करते होंगे। आज के वक्त में हर फिल्म में किसिंग सीन होता है और उनका कहना है कि मुझे नहीं पता कि इंटीमेट सीन पर इतना हो हल्ला क्यों मचता है। एक इंटरव्यू के दौरान सना के मुताबिक विशाल पांड्या की फिल्मों के साथ ऐसा होता आया है। उनका कहना है कि कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें बोल्ड सीन होते हैं मगर उन पर कोई सवाल नहीं उठता। सना ने उस इंटरव्यू में कहा कि जहां भारत के लोग और भी खुलते जा रहे हैं वहीं इंटीमेट सीन अब टैबू नहीं रहे। सना ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू फिल्म ये है हाई सोसाइटी से किया था। ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में सना ने स्पेशल अपीयरेंस दी थी। एक्टर सलमान खान की फिल्म वांटेड में सना खान ने आइटम नंबर भी किया था। सना बिग बॉस 6 का हिस्सा रही हैं। आपको बता दें कि सना शो में टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। सना इंस्टा पर बहुत एक्टिव है और अपने फोटो शेयर करती रहती हैं। तो ये है सना की इंटरेस्टिंग कहानियाँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना।